बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिन्नास किचन में आपको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि सब लोग खैरियत से हों, आमीन। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकअल्लाह, और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताया कीजिए कि मैं कैसा काम कर रही हूँ। आज मेरे किचन में बन रहा है चिकन पुलाव, वो भी मेरे स्टाइल से। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि साथ साथ टिप्स होती हैं। आज मैं एक बहुत ही अहम तजर्बा आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। चिकन पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं, मैंने लिए हैं 5 मग चाय वाले जो होते हैं ना चावल के। इसमें जाएगा 8 कप पानी। चिकन लिया है मैंने 700 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब, 2 प्याज जो मैंने काट लिए हैं, 1 टमाटर कटा हुआ, 3 हरी मिर्चें कटी हुई, लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून चॉप्ड, 1/2 कप मैंने लिया है ऑयल। मसाले लिए हैं मैंने 4.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला। इन 4 चीज़ों से और हरी मिर्चों से हम एक मज़ेदार सा पुलाव बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक देगचे में मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसमें जाएंगे प्याज, प्याज हमने करने हैं ब्राउन। प्याज देखें हमारा अच्छा सा ब्राउन हो गया है। अब मैं आंच हल्की करके इसको निकाल लूंगी। अब इसमें जाएगा चिकन, चिकन को वाइट होने तक हमने फ्राई करना है और इसके साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। चिकन हमारा वाइट हो गया है, ठीक है, और लहसुन अदरक भी अच्छा सा इसमें फ्राई हो गया। दो टीस्पून के करीब मैंने नमक इसमें से लैदा कर लेना है, वो बाद में डालेंगे। और अब ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे। क्योंकि अभी अगर सारा नमक डाल दिया तो जो बोटिंग है ना वो नमकीन हो जाएगी। इसको हमने भूनना है मसाले को, साथ ही इसमें हरी मिर्च और टमाटर डाल दें। और फ्राई किया हुआ प्याज, इसको हमने 2-3 मिनट भूनना है। पानी का छींटा दे दें। अब इसको 3 से 4 मिनट हमने अच्छा सा भून लेना है। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो कर देना और 2 से 3 मिनट इसको कवर करके टमाटरों को सॉफ्ट करना है।
तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। अब इसको मैं ढक्कन हटाती हूँ। देखें टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, चिकन भी काफ़ी गल गया। इस कंडीशन में इसको हमने 3 से 4 मिनट और भूनना है। आंच मीडियम कर लें। देखें ये गोश्त अच्छा सा सॉफ्ट भी हो गया। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई। अब इसमें जाएगा 8 कप पानी। और बाकी बचा हुआ तमाम नमक। इसको कवर करके मैंने 2 से 3 मिनट हमने इसको मजीद उबालना है। अब एक अहम टिप या मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे मेहमान आने वाले होते हैं तो मैं अपना ये वाला काम इस कंडीशन तक करके उबाल आएगा। इसको 2 मिनट मैंने बंद करके रख देना और जब पकाने होंगे 45 मिनट पहले मैं चावल भिगाऊंगी और डाल के दम दे देंगे। फटाफट आपके गर्मा गर्म चिकन पुलाव रेडी हो जाएगा। पानी उबलने लग गया, 2 मिनट हो गए। अब इसमें मैं चावल डालूंगी। तेज आंच पर इसको कवर करके मैंने पानी खुश्क होने तक इनको पकाना। देखते हैं पानी तकरीबन खुश्क हो गया, बिल्कुल हल्की सी नमी है ये। देखें हिला लें इसको। कवर कर दिए। अब मैं करूंगी तवे का इस्तेमाल। रुमाल डाल दें ऊपर। आंच मैं कर दूंगी बिल्कुल लो और 15 मिनट के लिए इसको हम रखेंगे दम पर। 15 मिनट हो गए, चूल्हा मैं ऑफ कर रही हूँ। देखते हैं उठा के इसमें चावल हमारे रेडी हो गए। अब इसको मैं रुमाल की मदद से हिला लूंगी। इस वक्त चमचा चलाने से चावल टूट जाते हैं। पहले तो मैं तवा रिमूव करती हूँ। हर तरह से आपने अच्छा सा हिला लेना। चावल आप देखें, अब मैं डिश आउट करती हूँ। देखें हमारा चिकन पुलाव कितनी झटपट तैयार हो गया है, बिल्कुल आसान तरीके से। मैं आपके लिए आसान रेसिपीज लेके आती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। आप मुझे सब्सक्राइब कर लिया करें और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक्स और कमेंट्स भी किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। जज़ाकअल्लाह। हस्बे मामूल बहुत ही मज़े के बने हैं और मेरी अपनी पसंदीदा डिशेस में ये एक चिकन पुलाव की है जो बग़ैर यखनी के मैं बनाती हूँ और झटपट बनता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह हमारी आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक हो। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।